x2 square x1, x2 square x1, say it, plus x2 square plus 4x2 x1 square plus 4x1 x2 plus 4x2 plus x1 square plus x1 plus 1 x1. One cancel. X1 x square x2 square cancel. 4x1 x2 equal cancel. One plus cancel one. X2 square, x2 square, x1 square, x1 square, और कुछ x1 से कैंसिल करके बनेगा 3x1, 3x1 और x2 का x2 होगा, x2 से कैंसिल हो बन जाएगा कि 3x2, सही है? और कुछ और वहां से 4x1 x2 कैंसिल हो गया, यहां से 4x1 x2 कैंसिल हो चुका है। चलो अब साथ करते हैं इसको, इसको एक साथ करते ठीक। x1 x2 कॉमन निकाल लेंगे, अभी बचा कितना, x1 स्क्वायर x2 माइनस x2 स्क्वायर x1, x1 स्क्वायर x2 माइनस x2 स्क्वायर x1, ये 4x1 x2 कॉमन निकाल। अच्छा इसे यहां पे देख कर देना ना, x1 स्क्वायर x2 और 4x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 कटेगा ना, ये 3 बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी कटेगा, ये 3 बन जाएगा, सही है? तो ये भी 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, सही है सर? प्लस 3x1 माइनस 3x2 प्लस 3x1 माइनस 3x2, और कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन ले 3 कॉमन कट जाएगा, 3x1 x2 कॉमन लेते हैं ठीक, तो बचेगा x1 minus x2 plus 3x1 minus x2 equals to 0। यहां से x1 minus x2 को मान निकाल, x1 minus x2 को मान निकालो, बचेगा x1 x2, x1 x2 plus 1 equals to 0। एक सॉल्यूशन आया x1 equals to x2 और एक सॉल्यूशन आया x1 x2 equals to minus 2। ये फंक्शन 1 1 है, मिनी 1, इसके अलावा एक और सोल्यूशन है ना, ये फंक्शन हो गया मिनी 1। स्कूल में ना सिर्फ यही मेथड यूज करना ठीक। नेक्स्ट लिख,
1 1 1 1 1 2 into PQRS. Our options are ABCD, ABCD, 1 1, main 1, on 2 into. अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना तो ग्राफिकली ही जाएगा, ठीक, ये बहुत ही इजीली दिखता है. मॉड एक्स ग्राफ आता है ना, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मॉड एक्स का ग्राफ, और हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं -1 to +1 में. -1 to +1 में मॉड एक्स कुछ ऐसा होगा, +1 पे वैल्यू भी +1 आएगा और -1 पे वैल्यू भी +1 आएगा ना. ये रहा मॉड एक्स ग्राफ -1 to +1 में. मिनी वन है ना, साफ निकला मिनी वन है. दो पॉइंट पे करके रेंज कितना है, रेंज y का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, बट कोडोमेन कितना है, -1 to 1. कोडोमेन है सेट b, और सेट b बोला -1 से लेके +1 तक, नहीं तो कोडोमेन -1 से +1 और रेंज आया 0 से 1. ऑन टू तो नहीं होगा ना, मेनी वन इन टू. तो p का ऑप्शन हो जाएगा b एंड d, सही है. x mod x का ग्राफ ड्रॉ कर, x mod x means x जब पॉजिटिव रहेगा तो x स्क्वायर, नहीं x mod x क्या होगा, जब x पॉजिटिव लेंगे तो x इंटू x x स्क्वायर, और जब x नेगेटिव लेंगे तो -x स्क्वायर. तो पॉजिटिव में x स्क्वायर का पार्ट होगा, पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर का पार्ट होगा, और नेगेटिव में -x स्क्वायर का पार्ट होगा, ठीक. 1 पे वैल्यू देगा 1 और -1 पे वैल्यू देगा -1, सही है ना, ठीक है. 1 1 है, ऑन टू इन टू, ऑन टू ना, रेंज -1 से +1 आ रहा है, और कोडोमेन भी -1 to +1. ये 1 1 भी है, 1 2 भी है, ए एंड सी. x क्यूब, हाँ, x क्यूब ग्राफ भी इसी टाइप कुछ होता है ना, x क्यूब का ग्राफ भी इसी टाइप का कुछ होता है, ऐसा ऐसा, 1 पे 1, -1 पे -1, -1 पे -1, ठीक है, सही है ना. ये भी 1 1 और 2, ये भी 1 1 और 2, a एंड c. sin pi x by 2, इस व्हाट है, sin pi x by 2 का ग्राफ सिर्फ -1 से +1 में. ये देखिए, x का वैल्यू -1 से +1 है ना, तो साइन का इनपुट कहां से आता है, x का वैल्यू -1 से +1, तो पाई एक्स बाई टू का वैल्यू -π/2 से +π/2, नहीं तो साइन का ग्राफ जैसा -π/2 से +π/2 में होता है, वही ग्राफ इसका -1 से +1 में हो जाएगा ना, तो साइन का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है. ये 1 हो जाएगा क्योंकि 1 पे बन जाएगा π/2 ना, x जब 1 लेंगे तो π/2 बन जाएगा, x जब -1 लेंगे तो -π/2, और π/2 पे आउटपुट आता है 1, और -π/2 पे आउटपुट आता है -1. ये भी इसी 1 मान दो, इसका AC बॉक्स x, -1 से +1 में ग्राफ ड्रॉ करना है बॉक्स x का ग्राफ -1 से +1 में. -1 से 0 में ऐसा ग्राफ होता है, 0 से 1 में ऐसा ग्राफ होता है, नहीं 1 1 है क्या, मिनी 1, ऑन 2 है क्या, नहीं, तीन इंटीजर, दो इंटीजर आ सकता है, दो इंटीजर ना, -1 और 0 आ सकता है, 1 आ सकता है 1 पे, तो मिनी 1 और इन टू, मिनी 1 इन टू बी डी. Yeah.
expression. F of x equals to x cube plus x square plus 3x plus sin x. X square plus 3x plus sin x. Or f from R to R. ये function 1 1 1 2 1 1 1 क्या है? इस function को classify करना है. ठीक? किस type का function है ये? डिफेंसिव कर लेते हैं ना. ग्राफ ड्रॉ करने पाएंगे. पहला मेथड यूज करने से मना किया कि पहला मेथड हर जगह मत यूज करो, काफी लेंथी होता है. ग्राफ ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अब इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो कि अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो 1 1 कहलाएगा, अगर ये हमेशा निगेटिव होगा तो 1 1 कहलाएगा, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा तो वो मिनिमम कहला जाएगा ना. प्लस कॉस एक्स होगा, प्लस कॉस एक्स नहीं. अब इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा. तो क्वांटिटी का तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, मिनिमम. इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस डी बाई फोर है. उसको छोड़कर सिर्फ क्वांटिटी का बात कर रहे हैं. अगर ऐसा कुछ हो जाए क्वांटिटी का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो माइनस वन से ज्यादा होगा, तो सम करने का कभी निगेटिव नहीं आएगा ना. ठीक, और कम होगा तो निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है. तो बस चेक कर लेते हैं क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होता है. और क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए इक्वल्स टू माइनस डी डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए. तो कितना होगा? 8/3. 2 से ज्यादा हो गया ना, ये 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 से ज्यादा. तो इस एक क्वाड्रेटिक तो हमेशा 8/3 से ऊपर ही रहेगा ना. उसमें कॉस ऐड कर लोगे कभी नेगेटिव आ सकता है, कभी जीरो भी आ सकता है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू माइनस वन होता है. इसका वैल्यू -1 to +1 होगा, -1 to +1. इसमें ऐड कर लो कभी नेगेटिव होगा, मतलब ये चीज हमेशा f test x always greater than 0 आ रहा है. ठीक है, फिर से बता रहे हैं क्वाड्रेटिक का वैल्यू ऑब्जर्व किए. क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू 8/3 है, कम से कम 8/3, उससे ऊपर रहेगा हमेशा. ठीक, उसमें कॉस को ऐड भी कर लोगे, कॉस कुछ भी वैल्यू दे, कॉस को ऐड करोगे कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? जीरो हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा ना. तो f test x हमेशा पॉजिटिव आ रहा, तो ये फंक्शन हो गया 1 1 32 by 12. अब 1 1 हो गया ना, है मतलब फंक्शन 1 1. अब ऑन टू इन टू से कमेंट करो. रेंज डोमेन है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर. इस क्यूबिक प्लस साइन एक्स का रेंज क्या होगा? कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा ऑड रियल नंबर होता है ना. नहीं तो इस क्यूबिक का रेंज ऑड रियल नंबर होगा, और साइन का -1 to +1 क्या बिगाड़ लेगा? ऐड करके, ऐड करके कुछ बदलेगा क्या? तो इसका रेंज तो ऑड रियल नंबर होगा ना, तो टोटल का रेंज भी ऑड रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑड रियल नंबर, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज. ये लिखवाए थे ना, किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा ऑड रियल नंबर होता है. इवन डिग्री के पॉलिनोमियल रेंज कभी ऑड रियल नंबर नहीं हो सकता है. ठीक, तो ऑड रियल नंबर में साइन एक्स को ऐड कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड रियल नंबर ही रह जाएगा. तो रेंज ऑड रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑड रियल नंबर गिवन था, तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया, 1 1 1 2. क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटी
कितना वरुण फंक्शन मैक्सिमम पॉसिबल होगा, कितना ऑल्टू फंक्शन पॉसिबल, नंबर ऑफ फंक्शंस. ठीक, टॉपिक आपका नंबर ऑफ फंक्शंस. नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस. ठीक, इसमें टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. ठीक, एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स, और इसमें आर एलिमेंट्स हैं, आर एलिमेंट्स. ये सेट ए, ये सेट बी, पास वाला फंक्शन एफ से. सही है. डोमेन सेट में एन एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन सेट में आर एलिमेंट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितना होगा, कितना फंक्शन हो सकता है, वन वन में सब कुछ चलेगा, सारा चीज चलेगा, टोटल कितना फंक्शंस हो सकता है, सोच के बोलना, टोटल कितना फंक्शंस हो सकता है. फंक्शंस बनने का मतलब क्या होता है कि डोमेन सेट के हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन होगा ना, कि इसका हर एलिमेंट का इमेज मिला दो, जितने वेज में मिला पाएंगे उतना नंबर ऑफ फंक्शंस होगा. ठीक है, तो पहले एलिमेंट्स के लिए कितना ऑप्शंस है, आर ऑप्शंस ना, दूसरे एलिमेंट्स के लिए आर ऑप्शंस, क्योंकि उसमें सेम में जाके मिल सकता है ना, तीसरे के लिए भी आर ऑप्शंस, चौथे के लिए भी आर ऑप्शंस, R into R into R into R, कितना बार R, N times R multiplied होगा ना, तो total number of functions R to the power N. फिर से बोल रहे हैं, कितना functions बनेगा, functions बनने का मतलब domain set का हर element का image मिलना चाहिए, देखते कितने ways में image मिलेगा. पहला element के लिए R options है, कहीं भी लगा सकते हैं, दूसरे element के लिए भी R options है ना, minimum function बन सकता है, एक एक पे भी जाके मिल सकता है दोनों, दूसरे के लिए भी आर ऑप्शंस, तीसरे के लिए भी आर ऑप्शंस, और काम कंप्लीट तब होगा जब सारा एलिमेंट जाके मिल जाए, तो आर इनटू आर इनटू आर इनटू आर इनटू एन टाइम्स तक, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया आर टू द पावर एन. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर टू द पावर एन. डाउट इज दैट. नेक्स्ट लिखना, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, कितना वन वन फंक्शन होगा. दो केस देखते हैं, पहला केस बोल रहे हैं आर का वैल्यू ना, आर का वैल्यू ना एन से छोटा है. ठीक, आर का वैल्यू एन से छोटा है, अब बता कितना वन वन फंक्शन होगा. सोच के, इसमें जितना एलिमेंट है ना इससे कम है, वन वन बनाना है, एक भी नहीं बनेगा ना. अच्छा, इसमें पांच एलिमेंट है और उसमें तीन एलिमेंट है, तो वन वन बना सकती है, कभी नहीं ना, वन वन कभी नहीं बनेगा ना. तो जब आर का वैल्यू ऐसे छोटा होगा, एक भी वन वन नहीं होगा. आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन वन, तो सोचो मतलब या तो इक्वल ही जाता है. ठीक, अब पहला के लिए कितना ऑप्शंस, पहला के लिए कितना ऑप्शंस, आर ऑप्शंस. सेकंड के लिए कितना ऑप्शंस, आर माइनस वन, क्योंकि पहला जवाब मिल गया, दूसरा वहां नहीं मिलेगा क्योंकि वन वन फंक्शन बनाना है. ठीक, आर माइनस वन ऑप्शन. तीसरा के लिए आर माइनस टू ऑप्शन. चौथा के लिए, एनथ के लिए R माइनस एन माइनस वन. पहला के लिए R ऑप्शन, दूसरा के लिए R माइनस वन, R माइनस एन प्लस वन. ठीक, सही है ना. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं आर सी एन, क्या सोच 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 रहे कि बार आरसीएम को फैक्टोरियल फॉर्मूले को समझ में आ जाएगा.
RCM को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखो, सही है ना? पक्का? अच्छा उसके बाद RCM तो हो गया कि इसमें से कोई भी n, ठीक, एक सिंपल सा सोचो, मतलब छोड़ा बोलो उसको, इसमें r ऑब्जेक्ट है ना, n को मिलाना है ना, कोई भी n ढूंढ लेते हैं आप और उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी n ढूंढ लो, कोई भी n, RCM into n factorial, RCM into n factorial, r में से n ढूंढ लो into n factorial, या भी वैसे भी सोचे तो RCM मिल गया था ना, उसको इंटरचेंज करना बचा हुआ था, इन टू एन फैक्टोरियल कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है, n को मिलाना है, r n से ज्यादा है, कोई भी n ढूंढ लो उसको इंटरचेंज कर लो, ठीक, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर फंक्शन। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन क्या करेंगे, टोटल में से ना वन वन को माइनस कर लो, टोटल में से वन वन को माइनस कर लो, तो इस केस में सारा का सारा फंक्शन मेनी वन हो जाएगा आर टू दी पावर एन, और इस केस में आर टू दी पावर एन माइनस आर सी एन इन टू एन फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसको बता नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन एन है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, आर का वैल्यू एन से ज्यादा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू होता है कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, इसका सारा एलिमेंट इससे मिलना चाहिए, इसमें तीन एलिमेंट है, पांच एलिमेंट है, तीन से पांच तो मिलेगा, पांचों को पांच मिलेगा, कभी तीन से थ्री एलिमेंट से फाइव एलिमेंट का वैल्यू होगा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आर ग्रेटर देन में होगा, यानी आर लेस देन इक्वल्स टू एन में, अच्छा इस केस में आर ग्रेटर देन एन में सारा का सारा फंक्शन इनटू हो जाएगा ना, ठीक, अब पहले इनटू सोचते हैं तो समझ में आ जाएगा, सेकंड केस के लिए इनटू क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए, दो भी छूट सकता है, तीन भी छूट सकता है, इधर का बात कर रहा है नहीं, तो एक एलिमेंट को छोड़ के कितना फंक्शंस बनेगा, एक एलिमेंट को छोड़ के मानो छोड़ दिया, अब कितना इतना एलिमेंट से कितना फंक्शन बनेगा, टू दी पावर एन, आर माइनस वन टू दी पावर एन, ना पहला के लिए आर माइनस वन ऑप्शन, दूसरा के लिए आर माइनस टू ऑप्शन, आर माइनस वन ऑप्शन, तीसरा के लिए भी आर माइनस वन ऑप्शन, ठीक है, तो एक को छोड़ के, एक कोई भी छोड़ सकते हैं ना, कोई पर्टिकुलर तो नहीं, ये भी एक छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी, किसी एक को छोड़ना है ना, तो किसी एक मतलब आर सी वन, किसी एक को छोड़ दिए, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर माइनस वन टू दी पावर एन, इसे पता है क्या प्रॉब्लम हो गया, दो क्योंकि एक को छोड़ के सारा फंक्शन काउंट किया ना, तो दो भी छूट गया, तीन भी छूट गया, चार भी छूट गया, पांच भी छूट गया, सब कुछ हो गया है, तो दो वाले को माइनस करो, तो माइनस दो को छोड़ के आर सी टू आर माइनस टू टू दी पावर एन, नहीं अब क्या होगा, तीन वाला फिर से माइनस हो गया, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो पढ़े थे ना हम लोग, मतलब तीन सेट है तो यूनियन निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों बार एड हो गया, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी, फिर दो तीन बार माइनस हो गया, एक बार एड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक, तीन वाला फिर से माइनस हो गया, तो प्लस करना होगा, प्लस आर सी थ्री आर माइनस थ्री टू दी पावर एन, ये चीज चलते हुए जब तक आर खत्म नहीं,
5 से 5 तो 0 हो जाएगा, 5 से 5 करोगे, 5 से 5 करोगे या 5 माइनस 5 बन जाएगा, 0 हो जाएगा, कभी ना कभी एंड होगा, टोटल में से इसको माइनस कर लो, r टू दी पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 टू दी पावर n प्लस r माइनस rc2 r माइनस 2 टू दी पावर n प्लस rc3 r माइनस 3 टू दी पावर n माइनस कर लो। सही है, चेक कर लो मेरा फोन मिनिमम मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट देखो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन। पहला इवन फंक्शन, ठीक है सुनो ध्यान से, इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक, जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी, सब चलेगा, बस एक ही कंडीशन है सिमेट्रिकल अबाउट अपने डोमेन में, अपने डोमेन में सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए, ठीक। मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, तो ग्राफ देख के चेक कर पाएंगे ना, मैथमेटिकली कैसे चेक कर पाएंगे, तो प्लस एक्स पे जैसा वैल्यू आएगा ना एग्जैक्टली सेम वैल्यू माइनस एक्स पे भी आएगा, अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ प्लस एक्स आ गया तो फंक्शन इवन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, फंक्शन दिया रहेगा, एक्स को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स से, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करना, फंक्शन की ओर जाने की कोशिश करना, अगर माइनस पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया तो बोल देंगे फंक्शन इवन है, ठीक। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, पॉइंट सिमेट्री, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है, कंटिन्यूअस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, और मैथमेटिकली एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना, माइनस पूरा गायब हो गया इवन हो जाएगा, माइनस कंप्लीटली बाहर निकल गया ऑड हो जाएगा, ठीक बढ़िया। इसमें कुछ पॉइंट देखो, पहला पॉइंट इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इवन फंक्शन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, इवन फंक्शन शोज लाइन सिमेट्री, इवन फंक्शन शोज लाइन सिमेट्री, इवन फंक्शन लाइन सिमेट्री शो करता है, ठीक, लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक बढ़िया। आगे उसमें लिखना ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑड फंक्शन शोज पॉइंट सिमेट्री, ये पॉइंट सिमेट्री को शो करता है, ठीक,
अच्छा पॉइंट सिमेट्री का मतलब किसके अकॉर्डिंग मिरर इमेज देंगे, कहां मिरर को रखेंगे या कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि पॉइंट सिमेट्री है या कोई लाइन सिमेट्री है। पॉइंट सिमेट्री में ना इस पॉइंट से किसी भी एंगल पे जितना तो ऊपर जाके जो पॉइंट मिलेगा ना उसी एंगल पे उतना नीचे भी एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, उसी एंगल पे उतना नीचे भी एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, किसी भी एंगल पे जा सकते हो, पर्टिकुलर एंगल है कोई भी एंगल पे ऊपर जब पॉइंट मिलेगा तो उसी एंगल पे नीचे भी पॉइंट मिलेगा। जिस एंगल पे ऊपर एक पॉइंट मिलेगा उस एंगल पे नीचे भी एक पॉइंट, जिस एंगल पे ऊपर एक पॉइंट मिलेगा उस एंगल पे नीचे भी एक पॉइंट मिलेगा। अच्छा ऐसा बोल सकते हैं ओरिजिन के बाद जो सिमेट्रिकल होगा ये y = - x के बाद सिमेट्रिकल होगा, हाँ या नहीं? ओरिजिन के बाद जैसा सिमेट्रिक होगा ना वैसा ही सिमेट्री इस लाइन के बाद होगा, हाँ या नहीं? नहीं, सोचना इस लाइन के अबाउट ना, अगर इसी ग्राफ का ऐसा ग्राफ है ठीक, इसका इस लाइन के अबाउट सिमेट्री इमेज देते हैं तो ऐसा मिलता है ऐसा, और इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री तो उल्टा दिखेगा ऐसा। क्लियर है, पक्का? तो पॉइंट सिमेट्री चेक करने का एक ही मतलब, एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे कोई किसी भी एंगल पे, जितना ऊपर एक पॉइंट मिलेगा उतना ही नीचे भी एक पॉइंट मिलेगा, और लाइन सिमेट्री क्या होता है एग्जैक्टली ऐसा होता है, दिख रहा है इसका ऐसे ऊपर जाना कि ऐसे ऊपर जाएगा ना, ये होता है लाइन सिमेट्री, पॉइंट में जस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा ठीक है, ऐसा कुछ ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स के बाद सिमेट्री इमेज ले लेंगे तो ही पॉइंट सिमेट्री होगा, फिर मतलब क्या रहा पॉइंट सिमेट्री और लाइन सिमेट्री में डिफरेंस क्या रहा, तो लिखता हूं y इक्वल्स टू माइनस एक्स के बाद सिमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन।